अजीजो आप सबको मेरा सलाम। पहले जो मैंने वीडियो की थी राग चंद्र कौंस की, उस वीडियो में एक दोस्त का कमेंट आया था कि ये ठाठ भैरवी नहीं है। तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो ना तो ठाठ भैरवी में है राग, ना वो भैरव ठाठ में, ना वो काफी ठाठ में है। ये ग्रंथों में भी नहीं लिखा कि वो किसी ठाट का राग है। तो काफी लोगों का जो मानना है, वो कुछ लोग मानते हैं कि वो काफी ठाट का राग है राग चंद्र कौंस, कुछ लोग मानते हैं कि वो भैरवी ठाट का राग है। भैरवी ठाट का इसलिए मानते हैं कि वो राग माल कौंस से उसका मतलब वो निकाला गया चंद्र कौंस। कुछ लोग भैरव ठाट का मानते हैं कि उसमें शुद्ध नहीं लगता है इसलिए। तो अभी जो हम जबूर कर रहे हैं वो जबूर 66 है सारे लोग। तो काफी लोगों ने कहा थे कि एक उंगली से बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंतरा भी सेम सभी एक जगह पर ही है सारे। तो ये वैसे पहले चैनल पर है लेकिन काफी लोगों ने कहा था कि वो सुरों की समझ नहीं आ रही, तो आप दोबारा करें इस लेसन को। तो दोबारा किया मैंने सी शार्प से, तो राग काफी है। सारे गामा पदा नी सा।